नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग चैनल राठौर में आपका हार्दिक स्वागत है। बसंत कालीन गन्ने की बुआई शुरू हो गई है। आज हम अपने भाई किसान के पास, भाई बदम सिंह जी के यहाँ पे बुरा है, तो उनके भतीजे यहाँ पे फिलहाल मौजूद है, और इस बार इन्होंने बिल्कुल एक नई विधि लगाई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। थोड़ा इसके बारे में इनसे बात कर लूँ। आपका स्वागत है किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे। धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। अनुज कुमार, ये इस बार आप बो रहे हो, मैं देख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे को देख रहे हैं आप, देख लीजिए किसान भाइयों, ये चार खुड इन्होंने बो रखे हैं और एक खुड उसके बाद में खाली छोड़ रखे हैं। ऐसा बोने की वजह क्या है? ऐसा बोने की वजह यह है कि जो जैसा पिछले साल फंगस आ गया था। हाँ, फंगस तो वो है ना इसमें। हाँ, उसमें हम स्प्रे नहीं कर पाए अपने इसमें। अच्छा, वो पहले तो आप नॉर्मल बोते थे 30 इंची पे। हाँ। कंटिन्यू बोते थे, उसमें जगह नहीं छोड़ती थी। उसमें जगह नहीं छोड़ते तो थे। इसमें स्पेस हो गया, इसमें स्पेस हो गया, दो खुड़ इधर से आ जाएंगे, दो खुड़ दूसरी तरफ से आ जाएंगे, दोनों तरफ से आ जाएंगे। तो दवा करने की यानी कि फंगिसाइड देने की और ट्रीटमेंट वगैरह कभी भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने की। तक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये विधि आपने इसी बार लगाई है, पहले तो नहीं करी? नहीं, इसी बार लगाई। पहले तो दो खुड़ बोए थे, एक छोटा था। अच्छा, कितने खुड़ हैं? 102 खुड़ हैं जैसे मैंने गिने। हाँ, लगभग इतने ही हैं। 102 खुड़ हैं। और पेंटर बोते आप दो खुड बो के अगर एक छोड़ देते तो आप तब भी कर लेते? अरे तो उसमें तो स्पेस ज्यादा रह जाता भाई, कम से कम लगभग 30 खुड़ छोड़ने पड़ते हैं हमें। हाँ, 30-34 खुड़ छोड़ने पड़ते, सही बात है। अब जो 10 खुड़ छूटे, अब नहीं तो खैर 20 खुड़ के आगे लगा लीजिए दोस्तों, अगर हिसाब किताब में एक मिनट लगाओ कैलकुलेट दोस्तों। इस विधि से इन्हें 20 खुड़ खाली छोड़ने पड़े खाली, और नॉर्मल अगर पेट्रो बोते दो खुड़ बोने के बाद में एक खुड़ छोड़ते है तो उसमें 34 खुड़ इनको छोड़ने पड़ते, तो इसमें हवा धूप का भी संचार कहीं ज्यादा होगा और गन्ना की संख्या भी कहीं ज्यादा इन्होंने बढ़ा ली है। ये विधि बिल्कुल ऐसे नॉर्मल जो आपने बोया, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं पाई। इस जंगल में बहुत ज्यादा फंगस है दोस्तों, मैं थोड़ा सा दिखा दूँ आपको, ये दवा ना होने की मेहरबानी है। इधर जो है गोला बिल्कुल बस चार चार पत्ते ऊपर की तरफ पकड़े हैं, नुकसान में आ गया किसान। तो खेत की तैयारी आपने बहुत तगड़ी करके कर रखी थी। हाँ, क्या क्या चला रखा आपने इसमें? इसमें 5 बार हैरो चलाई जी, 2 बार टीलर चलाया, चलो 2 रोटरी गाड़ी जी, लाल तगड़ी तोड़ाई कर रखी थी। बारिश का ही बो रहे हैं ना? बारिश का ही बो रहे हैं। अच्छा, सभी लोग ज्यादातर कोशिश करेंगे बारिश के बूझे, हमारे तो आल बहुत है, आल तो बहुत है, गिल वो तो मैं भी देख रहा हूँ। और खाली खुड़ में आप क्या करेंगे, सह फसली के तौर पे कुछ ले खाली छोड़े? अच्छा, इसमें मक्का बो दिया आपने, अफ्रीकन टाल होगी ना यहाँ पे जो चलती है, तो मक्का बो दी, मक्का भी काफी अच्छी। कितने किलो बीज डाला आपने करीब इसमें? 4 किलो बीज, 9 बीघे में, 9 बीघे में 4 किलो बीज गिरा, खाली खुड़ में गिरा, तो मक्का भी काफी सुंदर जम का आएगी। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इस खेत की जब 1.5-2 महीने हो जाए करीब, मक्का की परफॉर्मेंस भी की भी दिखाऊंगा। तो इन्होंने काफी अच्छा सुगम रास्ता यहाँ पे बना दिया है, और थोड़ी मैं दवाई वगैरह इनकी दिखा दूँ किस तरह की दवाई इस्तेमाल की। सबसे पहले तो इन्होंने डाई वगैरह यूज़ की है, डाई भी ली है, और जो बोलते हैं 2 कट्टे तो डाई है जी आपके? 2 कट्टे डाई के हैं। 2 कट्टे डाई के हैं। पोटास कितना लिया? 1 कट्टा यूरिया है। एक पोटास नहीं लिया आपने? पोटास हाँ लिया, पोटास 1 कट्टा पोटास का होगा, 1 कट्टा पोटास का है। और 10 किलो सल्फर है, 10 किलो सल्फर है। एक ह्यूमिक डाला है इन्होंने, देखो दोस्तों मैं आपको दिखा, ह्यूमिकोल 95% ह्यूमिक एसिड है, ये पाउडर फॉर्म में था। ये 2 डिब्बे इन्होंने इसके दो डिब्बे इसमें लगाए हैं, इसमें 1 किलो करीब लगा दिया 5। और ये टाइगर वाला सल्फर है जी, इधर बहुत ज़्यादा चल रहा है, 90% के अनुवल। अच्छा, दानेदार फोम में, पहले पाउडर फोम में आता था आपके, ये बात इन्होंने मेरे को काम की बताई है। और ये फिप्रोनील 5%, ये महावीर कंपनी का माल है जी, फिप्रोनील जो दे रखा है 1 लीटर ये लगा दिया उन्होंने। तो आपने कैसे मिला ये, इस पर कोट कर दिया सारा डाई, सब डाई पे सारी पे एक जगह मिला के कोट कर दिया। और ये इनका थाइमेथोक्सोम हो गया, 1 किलो थाइमेथोक्सोम इन्होंने लगाया करीब 100 ग्राम के बीघे से। ये 9-9.5 बीघे का खेत इनका यहाँ पे है, तो ये से 10 बीघे मान के इन्होंने इसमें खुराक दे दी है। तो बहुत अच्छी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लगाई हैं, ये तो हो करेगी आपकी जो थाइमेथोक्सोम इंसेक्टिसाइड का आपका काम करेगी। ट्राइकोडर्मा नीचे डाल दिया इसमें, ट्राइकोडर्मा भान जब बना होगा तो उसके टाइम पे डाल दिया। हाँ डाल दिया। हाँ, तो फंगस नाशी है, भूमि शोधन का दोस्तों आपको बता दूँ, ट्राइकोडर्मा 3 काम करता है मोस्टली। एक तो पेंडे की जो होती है क्या बोलते हैं फंगस वगैरह दूर करता, फंगस नहीं लगन देगा, और दूसरी चीज़ करेगा वो भूमि शोधन का काम करेगा। जैसे उन्होंने भूमि में डाल के इसकी जुताई कर दी है, तो भूमि शोधन का वो कोई किस तरह की कोई विकृति वगैरह रोग वगैरह है तो उसको निकाल के मतलब जड़ मूल ख़त्म कर देगा। और तीसरा काम ये करता है रिसाइकिल करने का, जो भी इसमें कार्बनिक पदार्थ पड़ा हुआ है यानी कि जो अचेत अवस्था में उसे चेतन अवस्था में लेकर आएगा, उसको रिसाइकिल कर देगा और पौधे को भोजन के रूप में ग्रहण करा देगा। मतलब ऐसा समझ लिए उसका विघटन कर देगा, वो उसको इस फॉर्म में ले आके कि पौधा उसका भोजन के रूप में आराम से उठा सके। तो ये हमारे किसान भाई थे अनुज कुमार जी, जिन्होंने भी गन्ना बोया है। उम्मीद करता हूँ
काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी यहाँ पे बन का है। आप किसान के बारे में कोई सुझाव देंगे जैसे आपने पद्धति लगाई है? ऐसे ही बोना चाहिए भैया, ऐसे सुगमत आप नेक्स्ट टाइम भी ऐसे लगाओगे? ऐसे लगाओगे, सात बजे कल को बोओगे वो उसमें भी यही लगाओगे, उसमें भी ये लगाओगे आप। हाँ तो बेस्ट विधि आप इस बार निकल कर रही है गांव में, ज़्यादातर मैं देखता हूँ शायद इसी बार ऐसी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खेत में दवा नहीं हो पाती तो देखो खेत को देख के भी जी खुश नहीं होता। कहने का मतलब ये है कि रोग वगैरह इतने आ जाते हैं उसमें कि उनके निकालने की जगह नहीं रहेगी, आप स्प्रे कैसे करोगे, कैसे भी नहीं कर पाओगे। तो ये रास्ता मैं थोड़ा दोस्तों आपको दिखा भी दूँ अभी इन्होंने करा क्या है। देखो दोस्तों ये चार खुड़ी इन्होंने बो रखे हैं, ये 0238 वेरायटी इन्होंने लगाई है, 1 2 3 4 खुड़ लगाए, उसके बाद में एक खुड़ जो इन्होंने खाली छोड़ दिया था इसमें मक्का के दाने इन्होंने डाल रखे। मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा मेरे को जूम करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों मक्का भी दिख रही है, डाई के दाने भी दिख रहे हैं इसमें। आप ये बोल रखी मक्का, ये मक्का है दोस्तों, ये रे मक्का का दाना। तो मक्का के दाने पे भी आपने चढ़ा रखा है? हाँ ये उसकी है, फोरगन कंपनी की मक्का है। है जी फोरगन कंपनी की मक्का है, फोरगन कंपनी नई कंपनी की मक्का है किसी की। 12 फुट होगी, 12 फुट की मक्का इन्होंने बताई है, पर मेरे को बीज पता नहीं क्यों कम लग रहा है, 4 किलो बीज कम लग रहा है, तो भर जाना चाहिए था बिल्कुल एक तरफ गन्ने की तरह। यही बहुत है तो मक्का लगाने का और रीजन, मक्का नॉर्मली बोते हैं मक्का को और भी बेनिफिट है, किससे रोग नहीं आता तो वो क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कंसुआ आता है तो कंसुआ हाँ, नहीं आता। और जब तक आपकी मक्का रहेगी तब तक मैंने जैसे देखा है खुद भी, मैंने प्रैक्टिकल किया दोस्तों बताना चाहूँगा, इसमें जो है टॉप क्या बोलते हैं कंसुआ तो आएगा नहीं, अन्य किस तरह कोई रोक नहीं है, रोक भी नहीं आएगा। इसका कारण ये है कि मक्का का जो पत्ता होता है वो कोमल होता है, तो गन्ने पे जो चीज़ आने वाली होती है चूसक कीट वगैरह किसी तरह का या गोब में कोई आना है कुछ भी तो तुरंत मक्का की तरफ कूच कर देता है, सारा रोग मक्का ले जाती है। बहुत ज़्यादा और कलर बहुत अच्छा आता है खेत का। और किसानों के लिए कोई सुझाव अन्य कुछ बताना है? धन्यवाद भाई साहब, अब तो धन्यवाद जी सर आपका बहुत बहुत। ठीक है दोस्तों ये हमारे अनुज कुमार जी थे जिन्होंने काफ़ी अच्छे से, धन्यवाद, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, कभी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे।